तेलंगणा राज्याचे कृषी सहकार आणि पणन विभागाचे मंत्री निरंजन रेड्डी तसेच उत्पादन शुल्क आणि पर्यटन विभागाचे मंत्री व्ही श्रीनिवास गौड यांनी शिर्डीमध्ये येत साई समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. राज्यासह देशवासियांच्या सौख्याची साईबाबांकडे प्रार्थना केल्याचं मंत्री महोदयांनी सांगितलं. साईबाबांच्या दर्शनास आम्ही नित्यनियमाने येतो, साईबाबांच्या दर्शनानं मनशांती लाभते असं सांगत मोदी सरकार विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी संस्थांचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मोदी सरकारने कितीही त्रास दिल्यास आमचा पक्ष त्याला सामोरं जाण्यास सक्षम आहे. देशामध्ये कायद्याचं राज्य आहे, त्यामुळे खोटे नाटे आरोप कोर्टामध्ये सिद्ध होत नसल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आगामी निवडणुकीच्या धर्तीवर राज्यामध्ये आमच्या पक्षाला बदनाम करण्याचं काम सुरू आहे, हेच काम भाजप प्रत्येक राज्यामध्ये करीत असल्याचंही कृषीमंत्री एस निरंजन रेड्डी यांनी म्हटलं. येणाऱ्या भारतीय पिढीला द्वेषाचं राजकारण न देता बंधुभाव आणि विकासाची दिशा देणं गरजेचं असल्याचंही त्यांनी शेवटी सांगितलं. बाबा का दर्शन के लिए आए हैं. अभी अभी दर्शन हुआ. यहाँ के शिर्डी बाबा के प्रतिष्ठान के जो उद्योग हैं, ये लोग हमको ये दर्शन प्राप्त किया है. अच्छे तरीके से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा. वो हमारे तेलंगाना राज्य और सारे हिंदुस्तान के लिए अपने आवाम तरक्की होना और हर एक को सुख और शांति अमन है ना, भाईचारे सब भी अच्छे रहना, इसके लिए हम प्रार्थना की हैं. बहुत अच्छा लगता है जब कभी भी हम शिर्डी आते हैं, तो इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं हम. आज नासिक जाने के दौरे में यहाँ पे बीच में बाबा का दर्शन कर लेके निकलने के लिए आए हुए हैं. तो कब जब भी आते हैं तो मन बहुत प्रसन्नता होता है, शांति होता है और प्रार्थना करते हैं हमेशा कि जितना भी वो कुवत दे, भगवान हिम्मत दे, वो सब कुछ आवाम के खिदमत के लिए खर्च करें और जितना हो सके उतना ज़िंदगी में आवाम को सेवा करें. पहली बार नहीं हिंदुस्तान में, जब से मोदी सरकार आई हुई है, कि अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को झुकाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटीज़ को मिसयूज़ करना तो पहली बार नहीं है. वो हम फेस करने के लिए तैयार हैं. हमारे नेताजी जो कुछ भी है विल फेस एंड लीगल कोर्स जो है सबके लिए एक ही है. जो एलिगेशन करते हैं लेकिन अल्टीमेटली दैट हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. वो इतना आसानी नहीं है कि किसी के ऊपर कीचड़ डाल दिया और धोने के लिए उन्हीं को बोल दें. वो साफ सफाई बिल्कुल हो जाएगा कोर्ट में, हम ये उम्मीद करते हैं. अगले साल नहीं, इसी साल है, 6-7 महीने के बाद हमारा इलेक्शन. हम तो इलेक्शन जोन में पड़ जाएंगे. वो इलेक्शन तो रहेगा हमारा नवंबर दिसंबर में होगा. अभी 8-10 महीने का भी टाइम नहीं है. हम 8 महीने का टाइम है, ऐसे 7-8 महीने का टाइम है. तो हम तो बिल्कुल देख रहे हैं ना, ओपन है, इट्स फॉर नेकेड आइस. तो बिल्कुल अपने आँखों के सामने नज़र हैं, देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं. आपके महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो सत्य में थे उनको गिरा दे के, ज़बरदस्ती से तोड़ दे के हुकूमत को सपोर्ट करे, क्या चल रहा, कितने राज्यों में ऐसा हुआ, क्या 1-2 राज्यों में हुआ, 7-8 राज्यों में ये कर दिए कि कोई उनके बगैर कोई जीना नहीं सियासत में, उनके बगैर कोई सियासत करना नहीं और सत्ता में रहना नहीं और कोई पालन देना नहीं, उन्हों ही देंगे जो भी देना है. अगर दे रहे तो ठीक है, आवाम आप दूसरी बार चुन ली. हिंदुस्तान में बहुत कुछ कर सकते थे, जो कर सकते थे वो नहीं किए आवाम के लिए. जो नहीं करना चाहिए सियासी पार्टियों के साथ, राजकीय विपक्षों के साथ, वो कर रहे हैं आप. ये तो भलाई के वास्ते नहीं है, देश के भलाई के वास्ते नहीं है. आगे चल के क्या होता देखेंगे. आपकी पार्टी
बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो नहीं तो दूसरा वजह क्या है, क्या तेलंगाना हुकूमत के साथ, तेलंगाना आवाम के साथ अब तक तो ये लोग साथ दिए ही नहीं, कोई मुद्दे पे साथ नहीं दी, कोई मुद्दे पे साथ नहीं दी। जो मुद्दा जो जो देना था हमारे साथ देना था, हमारे स्टेट को जो फैसिलिटीज देना था, हमारे स्टेट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिलीवरीज जो करना था वो भी नहीं कर सक रहे हैं। एक विरोधी पक्ष को दुश्मन के ऐसा देख रहे हैं, कोई बाहर का देश भी, कोई अपने से लड़ता देश भी, कोई दुश्मनी देश भी अपने से इतना नफरत नहीं करता, उतना करते दूसरे राज्य के विपक्षों से, राज्य के अलग दल जितने भी है उनके साथ इतना नफरत करते हैं कि ये दल और ये दल के नेता कोई हिंदुस्तानी नहीं है, कोई इनको सत्ता में रहना ही नहीं है, कि इनको जमहूरियत में रहना ही नहीं है। ये क्या तरीका है? बिल्कुल, देखिए ये जीत हार की बात नहीं है। हिंदुस्तान में एक चर्चा शुरू हुई है कि अपने को इतने सहूलतें रहने के बाद भी हिंदुस्तान में, इतने रिसोर्सेज रहने के बाद भी हिंदुस्तान में, 75 साल के बाद भी आज हिंदुस्तान के अवाम का ये हाल है, तो दुनिया के सामने क्या रहेगा अपना सर? छोटे छोटे मुल्क आगे चल के तरक्की कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, क्या 75 साल के बाद भी जो है अपन प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या देने वाले हैं? हम नफरत देने वाले हैं? विकास देने वाले नहीं है? विकास का दुनिया नहीं है आज? ये शास्त्र सांकेतिक परिज्ञान का दुनिया नहीं है क्या? इसके फल जनसामान्य को मिलना नहीं है, आवाम को मिलना नहीं है? कब तक लड़ेंगे? कुछ अच्छे काम करने के लिए कुछ सहयोग होना चाहिए, कुछ संगठन बनना चाहिए, एक से मिलकर दूसरे बात करना चाहिए। चुनाव में अलग अलग पार्टी इसको चुन लेते हैं आवाम में, डेमोक्रेसी में लोग, लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद पूरे मिलकर काम करना है। हर एक दुश्मन के ऐसा देखना तो ये सही तरीका नहीं है। ये एक बार आवाम को अगर समझ में आया कि उनको जो पहुंचना था, उनके भलाई के लिए जो होना था वो नहीं हो सका, और जितने भी वायदे किए गए थे सारे वायदे झूठ थे, और सारे वायदे इन लोगों ने इसको तोड़ दिए हैं, कोई भी निभा नहीं सके, ये पूरे पूरा अगर एक बार हिंदुस्तान की आवाम समझ गई तो खेल ख़त्म है। तो ये काम पे लगे हुए हैं हमारे केसीआर, ये कोई जीतने का हारने का मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम को ये जानना चाहिए कि 75 साल के बाद उन लोगों को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिला, नहीं मिलने की वजह क्या है, अगर मिलना है तो क्या करना चाहिए। इतना समझ में आया तो हमारा BRS जो हम काम शुरू की हिंदुस्तान की सियासत में, हम सक्सेसफुल रहेंगे, हमारा पर्पस सर्व होगा, ये हमारा इच्छा है।